हवा में उड़ने के पीछे का साइंस क्या है? ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा बेची गई हैं? और वाटर टैंक के ऊपर ये लाइन क्यों बनी होती हैं? तो भाई इस वीडियो में आप ऐसे ही कमाल के फैक्ट जानोगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर वन, क्या आपको पता है पॉइंट नेमो धरती की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक इस जगह की खोज साल 1992 में हुई थी, जिसे हर ओज लुकटेला नाम के एक सर्वे इंजीनियर ने किया था। पॉइंट नेमो प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित एक जगह पर है जहाँ पर किसी देश का कब्जा नहीं है। दोस्तों इस जगह पर ना तो कोई जीव है और ना ही कोई वनस्पति है, और इस जगह पर स्पेस में खराब हुई सैटेलाइट को गिराया जाता है। दोस्तों पॉइंट नेमो से यूनिवर्स ज्यादा दूर नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ से 4000 किलोमीटर ऊपर जाने पर हम ISS तक पहुँच जाएंगे। यहाँ ISS का मतलब है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नंबर टू, दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि इस टाइम में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ही खराब है। वहाँ की पब्लिक गरीबी और भूखमरी से जूझ रही है, लेकिन आज हम वहाँ के हालातों के नहीं बल्कि वहाँ के कुछ ऐसे खतरनाक कानून के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं उस नियम के बारे में। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान में कुछ खास शब्दों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने पर आपको जेल हो सकती है। जी हाँ, वो खास शब्द हैं अल्लाह, मस्जिद, रसूल और नबी। आप इन शब्दों को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वहाँ 6 महीने की जेल भी हो सकती है। नंबर थ्री, दोस्तों एक बार इस पौधे को देखो, इसका नाम है सी फैन। इस पौधे को वैज्ञानिकों ने खोजा है। ये पेड़ दिखने में बिल्कुल किसी समुद्री पेड़ के जैसे दिखते हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक ये पौधा बिल्कुल फैन की तरह दिखता है, इसीलिए इसे सी फैन कहा जाता है। नंबर फोर, दोस्तों इस जीव का नाम है समुद्री खीरा। दोस्तों ये जीव समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं, इसे समुद्री खीरा कहा जाता है और इसे सी कुकुम्बर नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। नंबर फाइव, एक बार इस जीव को देखो, इसका नाम है फ्लावर हेड जेली। दोस्तों इस को देखकर ऐसा लगता है कि किसी टोपी पर ढेर सारे कांटे लगे हों। ये जीव अपनी बनावट की वजह से चलती फिरती फूल की तरह नजर आते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो। नंबर सिक्स, दोस्तों इनका नाम है डायना अमरस्ट्रॉन्ग। इसमें फैक्ट ये है कि इस महिला के दोनों हाथों के नाखून काफी लंबे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके नाखून की लंबाई 42 फीट 10 इंच है और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में भी दर्ज है। नंबर सेवन, दोस्तों भूटान एकमात्र ऐसा देश है जहां ना तो आज तक पानी की कमी हुई और ना ही कभी खाने की कमी हुई और ना ही कभी जल प्रदूषण वायु प्रदूषण हुआ। नंबर एट, दोस्तों दुनिया में तीन ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा बिकी हैं। पहली आईफोन, दूसरी है रूबिक क्यूब और तीसरी है हैरी पॉटर बुक। ये तीन चीजें दुनिया में सबसे ज्यादा बेची गई हैं। नंबर नाइन, हवा में उड़ने के पीछे का साइंस क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों जिस तरह गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींचता है, उसी तरह आसमान का बल होता है जो हमें ऊपर की ओर खींचता है। जब एक साधक का शरीर मेडिटेशन और योग विद्या से पूरा हल्का हो जाता है, तब उस पे गुरुत्वाकर्षण का बल काम नहीं करता है, जिससे उसका शरीर हवा में उड़ सकता है। इसे इंग्लिश में लेविटेट कहा जाता है। नंबर 10, वाटर टैंक के ऊपर ये लाइन क्यों बनी होती है, चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। दरअसल दोस्तों इन लाइनों को वाटर टैंक को मजबूत करने के लिए बनाया जाता है। जैसा कि हमें पता है कि वाटर टैंक प्लास्टिक की बनाई जाती है और धूप में रहती है, ऐसे में उनके फटने का खतरा रहता है और इन लाइनों से उन्हें मजबूती मिलती है और बाहरी सपोर्ट भी मिलता है, जिसकी वजह से कड़ी धूप में भी ये टंकियां ज्यादा नहीं फूलती हैं और ना अंदर से पानी का दबाव उन्हें तोड़ पाता।